नमस्कार, आप सभी का कविता इज हेयर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। समय न लेते हुए चलिए डायरेक्ट आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में इसके बारे में आपको इन्फॉर्म किया था, तो उसी न्यूज़ की एक्सटेंशन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, देश भर के एक दर्जन से अधिक छात्रों ने 6 जुलाई को जारी किए गए UGC दिशा निर्देशों को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। UGC के दिशा निर्देशों में सभी विश्वविद्यालयों / कॉलेजों को 30 सितंबर 2020 तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ताओं, जिनमें एक कोविड पॉजिटिव छात्र भी शामिल है, ने कहा है कि ऐसे कई अंतिम वर्ष के छात्र हैं जो या तो खुद या उनके परिवार के सदस्य कोविड पॉजिटिव हैं। ऑल्सो रीड, हाई कोर्ट पार्टियों के बीच समझौते में वर्णित प्रक्रिया को नज़रअंदाज करके स्वतः मध्यस्थ नियुक्त नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट उनकी दलील है, ऐसे छात्रों को 30 सितंबर 2020 तक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं में बैठने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन के अधिकार का खुला उल्लंघन है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 6 जुलाई 2020 को एक अधिसूचना के जरिए विश्वविद्यालयों और संस्थानों को परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी थी और विश्वविद्यालयों को UGC के दिशा निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को अनिवार्य रूप से आयोजित करने का आदेश दिया था। ऑल्सो रीड, सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा, मजिस्ट्रेट के सामने आरोपियों को पेश करने के लिए 24 घंटे के समय को कम किया जाए। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बाद UGC ने अंतिम सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षा के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें विश्वविद्यालयों को ऑफलाइन पेन और पेपर, ऑनलाइन / मिश्रित ऑफलाइन + ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। एडवोकेट अलख आलोक श्रीवास्तव के माध्यम से दायर याचिका में दावा किया गया है कि आमतौर पर 31 जुलाई तक छात्रों को मार्कशीट / डिग्री प्रदान की जाती है। हालांकि वर्तमान मामले में परीक्षाएं 30 सितंबर तक समाप्त होंगी। ऑल्सो रीड, जस्टिस UU ललित 20 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सदस्य होंगे। याचिका में कहा गया है, मार्कशीट / डिग्री के विलंब अवार्ड होने के कारण याचिकाकर्ता और कई अन्य अंतिम वर्ष के छात्र उच्च पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने और / या नौकरी पाने के बहुमूल्य अवसरों से वंचित हो जाएंगे, जो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। याचिका में दलील दी गई है कि अंतिम वर्ष के छात्रों को भी CBSE, ICSE, ISC, NIOS आदि के छात्रों के बराबर रखा जाना चाहिए, जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया और छात्रों के पिछले प्रदर्शन / आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परिणाम घोषित किया। ओके, नेक्स्ट है ऑल्सो रीड, याचिका में उन्होंने UGC को आंतरिक मूल्यांकन पूरा कराने का निर्देश देने की मांग की है और 31 जुलाई 2020 को या उससे पहले अंतिम वर्ष के सफल छात्रों को रिजल्ट / डिग्री अवार्ड करने का निर्देश देने को कहा है। याचिका में निम्न शिकायतों को शामिल किया गया है। फर्स्ट वन इज, उत्तरदाताओं द्वारा अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने का लिया गया निर्णय पूरी तरह मनमाना और सनक भरा है। अन्य हितधारकों जैसे डॉक्टरों, शिक्षकों, छात्रों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों आदि से परामर्श भी नहीं किया गया है। इस प्रकार के निर्णय की पूरी उत्पत्ति त्रुटिपूर्ण और गलत है। उत्तरदाताओं ने बिहार, असम और उत्तर पूर्वी राज्य के लाखों छात्रों की दुर्दशा को नज़रअंदाज कर दिया है, जो वर्तमान में लगातार बाढ़ का सामना कर रहे हैं। रेलवे की आवाजाही
नहीं हो रही है और मात्र कुछ चुनिंदा ट्रेनें ही चल रही है। ऐसी स्थिति में एक छात्र जिसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से परीक्षा केंद्र पर जाना है, उसे भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। कोविड 19 के प्रकोप के कारण पूरे भारत में किराए पर ऑब्लिक पीजी आवास प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मकान मालिक आवास देने के लिए तैयार नहीं है। कोविड 19 संकट के कारण वित्तीय अवसरों में कमी आई है और प्रभावित छात्रों के माता पिता अत्यधिक वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन पर परीक्षा में उपस्थित होने के लिए संतानों के परिवहन, आवास और चिकित्सा उपचार का बोझ डालना पूरी तरह से अन्यायपूर्ण, अनुचित और अनपेक्षित है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में कोविड 19 के कारण अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द कराने के लिए कानून के छात्र की ओर से दायर जनहित याचिका पर महाराष्ट्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया था। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। ठीक, तो मिलते हैं फिर एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन ओके बाय, स्टे होम स्टे सेफ।